गाइस यार कैसे हो, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में यार हम अलग अलग हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग करने वाले हैं। वो देख ही सकते हो यार, हमारे पास चार तरह के हेलीकॉप्टर है। वो दो अलग है, दो अलग है, यानी देख सकते हो ये हमारे दो है हेड सेंसर वाले, और ये भी हेड सेंसर लेकिन इसके अंदर हमें रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। बाकी यार हमारे पास एक और बड़ा है, बिग साइज का हेलीकॉप्टर है, इसकी भी हम टेस्टिंग करेंगे। वो देखेंगे यार इसकी हाइट कैसे जाती है, किस प्रकार से चलता है, वो इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलता है। सबसे पहले यार हम इन तीनों को अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इनके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यार देखते हैं येल्लो कलर का, देख सकते हो भाई येल्लो कलर का काफ़ी शानदार लग रहा है। तो यहाँ से इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं, इस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर हमें इस प्रकार की एक चार्जर केबल देखने को मिलती है, माइक्रो टू यूएसबी, जो कि इसके नीचे लगने वाली है। और इसके अंदर हमें देखो यहाँ पर सेंसर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाता है, और ये यहाँ का चार्जर पॉइंट देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें यहाँ कलरफुल लाइटिंग देखने को मिल जाती है, और इसे हम यहाँ किसी भी पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं। और कोई अगर अडेप्टर है हमारे पास पुराना 2 वोल्ट का चार्ज, हम इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये है यहाँ पर सेंसर, जैसे ही हम इस सेंसर के नीचे या इस प्रकार से हाथ लगा जाएंगे, ये ऊपर उठता ही चला जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे भी अगर जमीन के पास आ जाएगा ना, तो जैसे ही ये सेंसर जमीन के पास आएगा और वापस ऊपर उड़ने लग जाएगा। और देख सकते हो इसका लुक कितना खतरनाक लग रहा है भाई, येलो ब्लैक कलर में काफ़ी शानदार लग रहा है। और इसके अगर हम पर्पल की बात करें ना, तो काफ़ी शानदार, देख दो कितनी पिक्सेबल है, ऐसे मोड़ भी दोगे तो भी टूटने वाली नहीं, और बैलेंसिंग वाली भी काफ़ी शानदार है, एक ही बार में टूटने वाला नहीं है भाई। कितना ही इसे गिराओ, पटको, तोड़ो फ्रोड़ो, लेकिन टूटने वाला नहीं है वो। ऐसा का ऐसा एक और है हमारे पास, ये इसे भी निकाल लेते हैं इधर से। और ये भी देख सकते हो, ये और ये बिल्कुल सेम ही है, बस इसका कलर का डिफरेंस है, हमारा ब्लैक और येल्लो, और ये है हमारा ब्लैक और रेड कलर में। बाकी दोनों के अंदर हमें फंक्शन सेम देखने को मिलती है, और दोनों की क्वालिटी भी सेम सेम देखने को मिल जाती है। तो इनको यहाँ पर रखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक और ये है, इसे भी यहाँ से निकाल लेते हैं, बॉक्स करते हैं इस प्रकार। ओ देख सकते हो, तो इसके अंदर हमें दो फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें हेड सेंसर तो देखने को मिलता ही, साथ में हमारा ये रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी शानदार चलता है। देख सकते हो यहाँ पर है इसका हमारा रिमोट कंट्रोल को ऑन करने का स्विच, और यहाँ पर जैसे ही हमारा ऑन होगा ये LED ब्लिंक होने लग जाएगी। ये है हमारा हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने का बटन, और ये है यानी अप ले जाने का बटन, यानी हेलीकॉप्टर को जैसे हम ऊपर ले जाएंगे तो इस बटन को दबाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, और ये इस प्रकार हमें रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। और अब आते हैं हमारे हेलीकॉप्टर पर, तो यार हेलीकॉप्टर भी आप देख सकते हो, इसकी क्वालिटी और उनकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल का आता है। और कंट्रोल वाले हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये हमें मिल जाता है 1000 रुपये में, क्योंकि इसके अंदर हमें रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। और इसकी अगर इनकी हम प्राइस की बात करें तो ये हमें मिल जाता है आराम से 500 से 600 रुपये में। और इसके अंदर भी हमें सेम फीचर देखने को मिल जाता है, जिस प्रकार का ये हमें चार्जर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर लगने वाला है इस प्रकार से, देख सकते हो। इसको भी हम कनेक्ट करके बता देते हैं, और ये हमारा पावर बैंक में किसी में लग जाएगा। यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलता है, यहाँ पर सेंसर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर 2 LED लाइट देखने को मिल जाती है। बाकी यार इसकी स्पीड देखो, स्पीड कितनी खतरनाक आती है, देखना इसको हटा देते हैं, और इनको भी हटाते हैं, और देखना जैसे हम इस चीज़ को ऑन करते हैं, यहाँ पर ऑन करना, देखना ऑन किया LED ब्लिंक होने लग जाए कलरफुल, और देख सकते स्पीड देखो, ओ बॉय देखो आवाज़ ओ माय हवा आ रही, देखो ओ इसका रिमोट को ऑन करना, देखना अभी जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा ना आपको इसकी स्पीड बढ़ेगी, देखो स्पीड भी, ये अभी इसका सेंसर काम कर रहा है, ये देखो देखो, और अभी देखना इसका ये रिमोट कंट्रोल, ये देखो खतरनाक काम कर रहा है, इसकी स्पीड काफ़ी शानदार है। तो इसे बंद करते हैं, और हमारा वो एक और हेलीकॉप्टर है उसे भी देख लेते हैं। वाह भाई देखो इसका लुक कितना शानदार लग रहा है, हमारा हेलीकॉप्टर हो चुका है, वो इसे भी यहाँ से निकाल लेना। ये हमारा एक्स्ट्रा होने वाला है टेस्टिंग, इनकी करने लगी, इसकी भी टेस्टिंग काफ़ी शानदार होने वाली। इसके अंदर हमें इतना बड़ा बॉक्स देखने को मिल रहा है, इसके अंदर हमें एक चार्जर देखने को मिल जाता है इस प्रकार का, जो कि इसकी बैटरी को चार्ज करने वाला है। वो इतना बड़ा रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है, सबसे बिग साइज़ का रिमोट कंट्रोल, इसका देखो जॉयस्टिक कितना शानदार है, और यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का स्विच, और इसके अंदर हमें एक एंटीना भी देखने को मिल जाता है। ओ माय गॉड, एंटीना के साथ में पहले ही हमें यूज़र गाइड आएगी किसी की, तो यार आप इसे अगर उड़ा रहे हो ना, तो इसे उड़ाने से पहले एक बार यूज़र गाइड को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा फंक्शन देखने को मिलते हैं, जिसे हम रिमोट ये पहली बार चलाएंगे नहीं आएगा। इससे पढ़ने से हमारा क्या होगा, हमारा रिमोट कंट्रोल इजीली हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे, हमारे हेलीकॉप्टर को इजीली उड़ा पाएंगे। तो यूज़र गाइड को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यह इसका
क्या एंटीना, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से लग जाता है। मैं लगा कर दिखा देता हूँ आपको, ये इस प्रकार से लग जाता है, ये ऊपर नीचे भी हो जाता है इस प्रकार से। ओ इसके अंदर में एक एक्स्ट्रा टेल वाली प्रोपेलर भी देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी शानदार है। तो इसको रख देता है साइड में, और इसके अंदर हमें बॉक्स के अंदर में कुछ नहीं देखने मिलता। अब हम निकालते हैं हमारे हेलीकॉप्टर को, देख सकते हो, ओ माय गॉड, देख सकते हो कितना शानदार है हमारा हेलीकॉप्टर, कितना शानदार लग रहा है भाई, एक नंबर का लगा। इसकी अगर बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी मेटल की बनी हुई है, ये मेटल के पाइप है इससे बनी हुई, और इसका जो ये कवर है ना ऊपर, ये पूरा प्लास्टिक का, वो देख सकते हो यहाँ पर मेंशन क्या है, देखो एयरक्राफ्ट, और ये देखो ये भी काफ़ी शानदार मेंशन है। और देख यहाँ पर हमें यार एक ऑपरेशन लाइट देखने को मिलती है, जो कि लाइट में फोकस करने वाली, लाइट डालने वाली, जैसे हमारे गाड़ियों का हेडलाइट होती है वैसे ही इसके अंदर भी हमें हेडलाइट देखने को मिल जाती है। और इसके प्रोपेलर की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी शानदार, देख सकते हो कितनी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी ज़्यादा मरोड़ो, कोई कर्ज नहीं होने वाला इससे, काफ़ी ज़्यादा मरोड़ो टूटने वाली नहीं है। और ये हमारी बैलेंसिंग वाली, ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी की देखने को मिल जाती है, देख सकते हो ऐसा कोई मरोड़ मरोड़ के नहीं बताएगा आपको कि यह टूटने वाली है या नहीं। और देख सकते हो यहाँ पर हमें एक प्रोपेलर देखने को मिलती है, जो कि टेल प्रोपेलर है, और ये पूरी प्रॉपर वर्क करती है, इसे ऊपर नीचे ले जाना हो, लेफ्ट साइड में ले जाना हो, लेफ्ट राइट ले जाना हो, प्रॉपर काम करती है। और यहाँ पर देख सकते हो हमें अलग अलग LED लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी शानदार चलती है, एक नंबर की इसकी लाइटिंग होती है। ये यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का स्विच, और ये है इसका बैटरी कनेक्शन, जो कि इस प्रकार से हो जाएगा, देखो आसानी से कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, इस प्रकार से कनेक्शन हो जाएगा। और जैसे हम ऑन करेंगे देखना इस लाइटिंग कितनी खतरनाक होती है भाई, देखो लाजवाब है लाइट, ऐसी लाइट देखी देखिए कमेंट में जो बता, देखो यहाँ पर ये भी पूरी प्रॉपर काम कर रही है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर काम कर रही है। आप अपना जिससे क्या होता है, इसके अंदर हम बैटरी की बात करें तो वो बैटरी है लिथियम बैटरी, जो कि आती है लगभग 400 या 500 mAh की बैटरी आती है। और इसका बैटरी बैकअप की बात करें, इसकी बैटरी बैकअप कितना चलता है, तो यार मुझे इसे टेस्ट करने के बाद मुझे पता था, पहले मैंने एक बार इसका टेस्ट कर लिया है, तो मैंने इसका टेस्ट किया तो इसका बैटरी बैकअप की बात करें तो ये लगभग हमें मिल जाता है ओनली 10 मिनट ही बैकअप मिलता है इसका, 10 मिनट ही हम उसका उड़ा सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो हमारे हेलीकॉप्टर कितने सारे हो गए। और यार अब हमारे यहाँ बड़े वाले हेलीकॉप्टर का टेस्ट करते हैं, तो इसका रिमोट कंट्रोल को करते हैं ऑन, और इसके एंटीना को बढ़ा देते हैं ऊपर ताकि हमारी रेंज ज़्यादा बढ़ जाए। और अब कहते थे इसके स्विच को भी ऑन, यहाँ से ऑन करना है, और देख सकते लाइटिंग चल चुकी है। और अब इसको ऊपर नीचे रखा, और इस रेस वाले बटन को एक बार ऊपर करना होता है, बहुत ही जोर से उड़ा, और देख सको स्पीड कितनी कितना आ रही है, नीचे आ जा नीचे आ जा। तो गाइस हमारे यार हेलीकॉप्टर को हम हाथ के ऊपर से उड़ा रहे, देखते हैं यहाँ से वो ये उड़ता है या नहीं। गाइस यार हम हमारे हेलीकॉप्टर को इस रिमोट के जरिए उड़ाने का प्रयास करें, वैसे हमारा ये रिमोट है ना वो सिर्फ इस हेलीकॉप्टर के साथ में आया था, इनके साथ में सिर्फ हैंड सेंसर का ही काम करता है, लेकिन हम इस रिमोट की सहायता से इन तीनों को कंट्रोल करने का प्रयास करें, तो देखते हैं होता है या नहीं। तो इनके स्विच को हम यहाँ से ऑन कर देते हैं, इसका भी हमने कर दिया, और इसका भी हम कर देते हैं, इसका भी हो गया ऑन, और इसका भी हम कर ही देते हैं, देख सकते हो ये है ऑन कर देते हैं यहाँ से, तो ऑन हो गए। देख दो, और ये उड़ेगा अभी, ये देखो यार सेंसर काफी खतरनाक काम कर रहा है इसका रिमोट, एक नंबर का सेंसर, इसका रिमोट कंट्रोल इसके नीचे ही काम करता है, और देखना अभी ये खुद का खुद खड़ा हो जाएगा, ये देखो
मैंने स्टार्ट का बटन दबाया ऑन हो जाएगा। एक दो तीन यहाँ से मैं इसके स्विच को ऑन करता है, देख सकते हो लाइटिंग चल चुकी है और अब कहते इसके हेड सेंसर है ऑन, वो देख सकते हो काफी खतरनाक चल रहा है। ओह माय गॉड, एक्सीडेंट हो गया, फिर भी चला जा रहा है। तो वो तो उड़ गया, ये भी उड़ गया, देख सकते हो तीनों उड़ गए यार, तीनों अलग अलग दिशा। पर यार ये सबसे अच्छा है, ओ तेरी यार